गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं रोब्लॉक्स और एस्केप द थीम पार्क ओबी। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमें अब ये एक करेक्टर चूज़ करना है। हमने बेनी चूज़ किया है और अभी ये अपना गेम शुरू हो चुका है। और मतलब थोड़ा हॉरर टाइप का है ये। अपना समुद्र किनारे बीच पे है, सामने है स्कल आइलैंड और अपना ये बैन खड़ा है इधर। हे दिस थीम पार्क लुक्स स्कैरी। तो ये कह रहा है कि ये थीम पार्क स्कैरी है। देखते हैं होता है क्या कुछ स्कैरी। आगे चलते हैं। अपने इधर थोड़े बहुत खरीदने के आइटम्स हैं और आगे चलते हैं। देयर बर्निंग बैट यार चला गया, जाने दो। देयर बर्निंग फैट्स जो भी है आगे। हाँ देयर बर्निंग फैट है एवरीवेयर, डू नॉट टच। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ टच नहीं करना है आपने इसके। टमाटर की स्लाइस के ऊपर बर्गर बर्गर ये शायद बर्गर का ही सब है। इसके ऊपर से कूद के आगे जाना है। तो चलो यार अपना ये लास्ट वाला भी जंप करके आगे पहुंच चुके हैं। अभी अपना चेक पॉइंट मिल चुका है और अपने ये बलून जो जा रहे हैं हिल रहे इधर उधर, उनसे बच के आगे जाना है। टच होगा तो आउट हो जाएंगे। और अपना ये दूसरा आ चुका है कैंडी वाला, अपने जो 1 रुपए की टॉफ़ी आती है वही लगती है। और ये बीच में अपना जादुई झाड़ू उड़ रहा है, अपना तो नहीं दूसरे का है, अपना कुछ नहीं। तो अपने इधर कूद कूद के आगे जाना है। इसके ऊपर तो जा नहीं सकते, मैं कोशिश ही नहीं करूँगा, जाने तो आउट हो जाऊँगा। आगे चलते रहते हैं। ये दो कैंडी और दो कैंडी के एक कैंडी के ऊपर और जम करना है, पहुँच जाएंगे आगे। यार आउट तो हो ही नहीं रहा हूँ इसके, मतलब टच होने वाला था नहीं हुआ। और अभी ये जो अपने घोस्त है ज़मीन पे लेट लेट के तैर रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाहते। कोई बात नहीं, अपने तो आगे पहुंच चुके हैं। इधर ऊपर चलते हैं और अभी ये दरवाजे, हाँ ये दरवाजे से अंदर घुसना है। उधर देखो हर जगह वाइट वाइट भूत घूम रहे हैं। अपना ये दरवाज़ा स्लो मोशन में खुल चुका है और अपने नया चेक पॉइंट मिल चुका है। सामने सीढ़ियाँ लगता है, उससे हमको ऊपर जाना होगा। तो चलो चलते हैं, इससे शायद ऊपर जंप करके जाना होगा। लेकिन यार ये तो जा ही नहीं रहा, ये क्या बोल रहा है। वी कैन जम्प द क्यू थ्रू, डू नॉट बी सीन। पता नहीं मेरे कुछ समझ में नहीं आया, इधर से जा क्यों नहीं पा रहे अपने। इधर तो पहुंच गए वापस नीचे, और कोई रास्ता। अच्छा ये इसके पीछे ही दरवाज़ा था, इधर से जाना था। और अभी अपने किचन में डाइनिंग रूम में पहुंच चुके हैं। ये सीढ़ियाँ हिल रही है, ये दूसरा अपना प्लेयर भी आगे चला के चला, ऐसे ही जाना होगा ये सीढ़ियों से बच के, जैसे कि वो गुब्बारे से बच के गए थे। ये अपना पार हो चुका है और आगे इधर एक ये दरवाज़ा है। समटाइम्स एज ए राइटर बैरी वाज हियर ऑन द फायर प्लेस। कभी इधर बैरी था फायर प्लेस पे, अब कोई नहीं है ऐसा वो बोल रहा होगा। बाकी हमको ये तलवार से बच के आगे जाना है। और यहाँ एक नया चेक पॉइंट इधर है, ये दरवाजे में शायद नहीं खुलेगा, जाने दो। चेक पॉइंट इधर है, उधर जाने का कोई मतलब नहीं। आगे अपना एक और दरवाज़ा है, ये भी अपना स्लो मोशन में खुल चुका है। ये अपना वैन वापस खड़ा है। गोस्ट आई सो अ डोर अपॉन द बालकनी। तो अपने जो साइड में बालकनी है वहाँ एक दरवाज़ा, वो देखो ऊपर वो रहा दरवाज़ा। तो हमको इधर ये इनसे बच के आगे जाना है। तो चलो ये तो आसान ही होगा, चलते हैं। कारपेट बड़ा अच्छा है वैसे, रेड कलर का। और यहाँ एक अपना पियानो बजा रहा है, मतलब गाना चला रहा है जो भी है। और अपने इधर ऊपर पहुँच चुके हैं बालकनी में, और अपने दरवाजे में घुस चुके नहीं, घुसते हैं अब घुस चुके हैं। और अभी यहाँ एक भूत बाहर लटक रहा है, यहाँ एक भूत सो रहा है। इसको लगता है 18+ में रखना पड़ेगा, डियो को खून लगा हुआ है, बच्चों को देखने लायक नहीं है। कौन कौन वैसे 18 कम का है कमेंट करके बताओ। और ये अपना चमगादड़ उड़ रहा है, बैटमैन मतलब बैट।
क्रिकेट बैट नहीं, पक्षी वाला बैट। तो अपने यार वापस कोशिश करते हैं, इसे दौर आगे नहीं बढ़ेगा। चलो इसके नीचे से निकल गए, अभी इससे भी आगे निकल गए, अभी ये इसके भी नीचे से निकलना है। ये तो अपना फालतू पे साइड में उड़ रहा है, और अपना ये बैन वापस कुछ बोल रहा है, ज़ॉम्बीज एंट्रेंस सो फास्ट, पता नहीं जो भी है। अपने आगे चलते हैं। ये अभी ये तीन लोग कहाँ खड़े हैं, जाने दो अपने, कोई मतलब नहीं, आगे चलते, हमारे पीछे तो भाग नहीं रहे वो लोग। और अभी ये रोलर कोस्टर है, वी मेड इट, यू फर्स्ट, आई एम स्केर्ड। तो यार अपना रोलर कोस्टर बैठ चुके हैं, और यहाँ गुफा जैसी जगह, मतलब घुस चुके हैं इसमें, जो भी हो। यहाँ मकड़ी के जाले हैं, मकड़ी खुद है, अभी इधर से मुड़ गए, आगे चलते हैं। थोड़ा स्केरी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए तो नहीं है। इधर वैसे साउंड भी थे थोड़े, लेकिन म्यूट कर दिया। और ये अपना थोड़ा अच्छा डरावना वाला है, बैकग्राउंड में कुछ और ही हो रहा है, और शायद यहाँ से घूम जाएगी, रोलर कोस्टर घूम जाएगा। यार अपनी रोलर कोस्टर यार राइड तो ख़त्म हो गई, कुछ हुआ ही नहीं। तो चलो यार अपना कैरेक्टर खड़ा हो चुका है, आगे चलते हैं। OMG, डिड यू सी द जाइंट मॉन्स्टर? नहीं, मैंने नहीं देखा। चेक पॉइंट मिल चुका है, और अपने यहाँ कोई दूसरे एरिया में पहुँच चुके हैं, डेजर्टिक एरिया में, जहाँ अपने अपने क्या क्रोकोडाइल रेत के अंदर छुप रहे, बाहर निकल रहे हैं। इसके बीच से हमको बच के जाना है अभी। ओ भाई, बाल बाल बचा भी हूँ, इससे भी बच गया। चलो ये इधर नया चेक पॉइंट, इधर ये डब्स के ऊपर कूद के जाना, दो तीन कूद गया। वैसे पानी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, मतलब गेम की क्वालिटी अच्छी है। और ये कूदते कूदते अपने यहाँ ये सीढ़ियाँ हैं, इस पे चढ़ते हैं ऊपर, ये नया चेक पॉइंट। अब ये शिप पे आ चुके हैं, और इस साइड वो अपना वैन दिख रहा है, चलो उस साइड चलते हैं। अच्छा तो ये बोल रहा है, आई थिंक सो कैप्टन्स की एट द टॉप ऑफ द सेलर, जो भी है सेल। तो हमको इसके टॉप पे जाना है, अभी इतने ऊपर चढ़, अभी इधर से ऊपर चढ़ चुके हैं, अभी आगे इस पोल पे आगे, मतलब डंडे से आगे जाना है। और ये रस्सी थोड़ी मोटी सी जा रही है, शायद उधर से जाना है आगे, यहाँ से चलते हैं आगे। ये थोड़ा मतलब बहुत देर बाद में समझ में आया था, इधर तक तो मैं पहले भी आया था। चलो आगे चलो, अभी इधर हमने शायद इस पे चढ़ना होगा, इस पे चढ़ के भी क्या फ़ायदा, कुछ नहीं। अभी आगे कहाँ से जाए, ये आगे वाले पोल पे भी एक रस्सी है क्या? चलो रस्सी तो है, ये रस्सी पे शायद नहीं चढ़ सकते, बहुत पतली है। ट्राई करते हैं, नहीं यार ये तो इसके अंदर से निकल गया, क्या इस पर चढ़ पाऊंगा, तो भी ट्राई करते हैं, जंप करेगा एक बार। चलो नहीं हुआ, चलो वापस आगे कहाँ जाए। ये भी दूसरा भी अपना इधर से आ रहा है प्लेयर, कहाँ जाए, सीधा सीधा चलते हैं। और अभी अपने राइट से आए थे, लेफ्ट में चलते हैं, इस पे चले कि नहीं? चलो यार इस पे चलते हैं, और कहाँ जाएंगे, यहाँ एक है रस्सी, यहाँ से चलते हैं उस पोल पे। ये लगता है पूरा पुराने ज़माने का पायरेट्स का शिप है, आजकल तो मोटर वाले आ गए, तो हवा से चलने वाले हैं। और अभी इधर आगे एक और उधर रस्सी है, शायद उधर से हम पहुँचेंगे ऊपर, इस शिप के ऊपर टॉप पे, और चलते हैं उधर। पता नहीं वो ग्रीन ग्रीन कोई लाइट दिख रही, पता नहीं क्या है। अच्छा ये तो मॉन्स्टर का नहीं, मॉन्स्टर का ये तो स्कल है एक, और नीचे पता नहीं, जाने दो। अपने इधर टॉप पे पहुंच चुके हैं, यहाँ एक पायरेट्स का झंडा भी लगा हुआ है, और अपने को एक की मिल चुकी है। अपने अब नीचे कूदते हैं, शायद मैं आउट तो नहीं होगा, ऊपर से नीचे कूदूंगा तो। चलो अपने इधर आ गए,
या से इधर चलते हैं, ये अपना गेट खुल गया, पायरेट इधर मिल चुका है, अभी हमको करना क्या वो पता ही नहीं चल रहा। पायरेट बड़ा अजीब बना है, ये कॉइन भी अपने नहीं ले सकते। और ये क्या है, ओमी ट्रेजर, पता नहीं, शायद हमने इसका ट्रेजर चुराने की कोशिश की तो इसने हमको बंद कर दिया अपने शिप के तहखाने में, बेसमेंट में जो भी हो। अभी इधर आगे रास्ता है वे आउट, चलो इधर से कूद के आगे चलते हैं। ये बहन अपना इधर पानी में टॉर्च लेके खड़ा है, और आगे चलते हैं, इधर आगे और रास्ता है, इसको ही पार कर लिया। इधर अभी बाकी रास्ता कहीं दिख तो नहीं रहा, उधर आगे चलते हैं। हाँ इधर ये गेट खुला हुआ है, इधर से आगे चलते हैं। और ये बॉक्स के ऊपर चढ़ के, ये रही सीढ़ियाँ, इससे ऊपर चलते हैं। और ये नया अपना चेक पॉइंट मिल गया, इधर ड्रम घूम रहे, शायद लुढ़क रहे, उससे बच के हमको जाना है, तो इसके ऊपर से तो नहीं जा सकते, इससे आगे जाना पड़ेगा। और जाना कहाँ है वो, चलो सामने चलते पहले तो। अभी इस साइड से भी शायद इसके ऊपर से, मतलब कैनन्स के ऊपर से नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अभी हमको शायद दूसरी तरफ जाना है, तो चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं। नहीं इधर तो नहीं, ओ बच गया, बच गया, बाल बाल बचा, कोई नहीं। अभी इधर अपने सीढ़िया है, एक बार वापस ड्रम उस साइड जाए तो अपने चलते हैं ऊपर। अभी चलते हैं ऊपर, अपने इधर ऊपर पहुंच गए, और क्रेजी आइडिया रेड जंप इनटू वन ऑफ द कैनन टू एस्केप। तो ये बोल रहा है कि हमको कोई भी एक कैनन से एस्केप करना पड़ेगा, ये क्रेजी आइडिया है। तो इस पर कैसे चढ़ना कैसे वो पता ही नहीं, इस पे चढ़ गए, नहीं हुआ कुछ, पता नहीं क्या होने वाला है। बोल तो वही रहा है कैनन के ऊपर चढ़ना है, चढ़ तो रहा नहीं। चलो इस पे ट्राई करते हैं, इस पे भी कुछ नहीं, और इस पे, हाँ इस पे हो गया। और अपने इधर कैनन से एस्केप होके इधर आ चुके हैं, ये नया चेक पॉइंट, और अपने ये शार्क से बच के जाना है आगे। अरे भाई बार बार बचा नहीं, थोड़ा डैमेज आ गया था लेकिन बच गया। आई कैनॉट बिलीव डैट द वर्ल्ड आई एम नेवर स्टैंडिंग, पढ़ने का कोई मतलब नहीं, आगे चलो, जाना तो आगे ही है, चेक पॉइंट मिल चुका है। और ये इधर आगे वापस बैन खड़ा है, वैसे अपना ही कैरेक्टर के कपड़े पहना दिए इसको। आई वाना राइड द लॉन्ग लून, प्लीज प्लीज प्लीज। ये इधर गेट एक दिख रहा है, इससे अंदर जाना होगा, इससे आगे तो कैरेक्टर अपना जा ही नहीं रहा है, और कोई रास्ता होगा इधर कहीं पानी में हो शायद, वो इधर बोट पड़ी शायद, उससे जाना होगा, पड़ी क्या तैर रही है। चलो एक बोट के ऊपर बैठ के देखते हैं, ये तो इधर बैठ ही नहीं रहे, बोट हिल रही है अपने, अभी कहाँ जाए इस, ये लो इससे तो अंदर ही गिर गया पूरा पानी के अंदर, अपने जच के तो पानी के अंदर गिर के अपने आउट तो नहीं होंगे। और अभी मुझे बहुत देर के बाद समझ में आ गया कि अपना ये जो वाटरफॉल है दूसरा वाला, इसके अंदर से रास्ता है, तो अंदर चलते हैं। आगे एक ऑक्टोपस, ऑक्टोपस ही है, चलो अपने इधर नीचे जा रहे, सही रास्ता है, सीधे सीधे चलते रहते हैं। इधर थोड़ा मोड़ आया, पानी के अंदर से जाए कि इससे जाए क्या मतलब, चलते रहते सीधे सीधे। अभी अपना ये जो पहला वाटरफॉल है शायद उधर पहुँच गए, और यहाँ मुझे एक रास्ता दिख रहा है, लेकिन अपना कैरेक्टर ऊपर आ ही नहीं रहा है, थोड़ा आगे चल के देखते हैं, जंप करते, ये क्या हो रहा है, इधर जंप नहीं कर रहा, आगे चलते, चलो इधर हो गया, अभी इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर वो सामने देखो एक चेक पॉइंट मिल गया, मतलब मिल जाएगा, अब मिल गया। अभी वो जो गेट है उससे अंदर आ गए, लेकिन गेट से नहीं आए। अभी यहाँ एक अलग सा ही कोई ज़मीन है, वाह भाई इधर से, हाँ चलो इधर से जा सकते, अभी इधर ये इसमें बैठना है हमको,
लिफ्ट लगती है किसी तरह की, लेकिन कुछ हुआ नहीं भाई। इसमें दो आदमी पहले ही खड़े हैं, शायद हमने दूसरी तरफ बैठना है, बैलेंस होना चाहिए ना दोनों तरफ। लेकिन इधर, हाँ इधर भी कुछ नहीं, चलो उधर ही बैठना होगा। चलो तो अपने इस, ये लोड हो रहा है, कितना लोड होगा भाई। वैसे सेकंड पे हूँ मैं ये गेम में फिलहाल तो अभी इधर से कूद के आगे चलते हैं, यहाँ पे भी जम करना है, यहाँ सीढ़ियाँ ऊपर चलते हैं। यार अभी तो सर्दी का मौसम है, कभी भी सर्दी लग जाती, क्या करें। और अभी यहाँ से थोड़ा बड़ा गैप है, इधर चलो कूद गए। अभी इधर से थोड़ा मुश्किल होगा, चलो भाई बाल बाल हो गए, बाल बाल बचे, हो गया। यहाँ भी एक और बार जंप करना भाई, कितना ऊपर जाएंगे। अभी ये अपनी लिफ्ट है, उससे क्या करना है अपने को, अभी इसके ऊपर कूदना है। हाँ इसके ऊपर ही कूदना था, तो शायद अभी इसके अंदर बैठने के, शायद नीचे जाएंगे वापस, नहीं नीचे क्यों जाएंगे वापस, नीचे जाना होता तो मैं कूद जाता, अभी कूद जाऊँ तो भी बहुत जाऊँगा। इससे शायद जम करके उधर आगे चलना, देखो उधर सीढ़िया भी, और यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ से जम करके दूसरे पत्थर पे, जमीन पे जो भी है, और यहाँ सीढ़िया इससे ऊपर चलते हैं। और यहाँ इस साइड एक और रास्ता है और आगे सीढ़िया है, लेकिन इधर से कूदना पड़ेगा पहले। चलो पहुँच, अरे उल्टा, थोड़ा उल्टा आ गया मैं, ये बार बार देखो चढ़ जाता है कैरेक्टर अपना। ये कैरेक्टर में कुछ चेंज करना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके बताओ। मतलब तो चेंज करना चाहिए तो क्या चेंज करना चाहिए। और अभी कहाँ जाना है आगे, ये चेक पॉइंट दिख रहा है, चलो इधर चलते हैं जंप करके। अभी हमको ये बलून के अंदर घुसना है, अच्छा ये बलून के अंदर घुसना था, अभी अपने नीचे जाएंगे। और अपने इधर नीचे पहुँच गए, पहुँच रहे हैं, लुढ़क लुढ़क के गोल गोल बॉल हो गई। और अपने अभी नीचे पहुंच चुके हैं, और आगे तो गाइस अपने इधर आगे ये चेक पॉइंट दिख रहा है, इस पे पहुंच चुके हैं। और अपना बैन इधर खड़ा ही है, आई एम डीजे, आई विल कैच द विथ यू, पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ नहीं अपने आगे चलते हैं। या हमला हो रहा है, जो गोल है वो फेंक के इधर ब्लास्ट हो रहा है हमसे, हमको इससे बच के आगे जाना है। इधर तो नहीं जाना, नहीं वहाँ उधर जाना है, यहाँ सीढ़ियाँ भी है, उधर तो गेट वैसे ही बंद है, कुछ होगा नहीं। यहाँ से जंप करके चलते हैं, और यहाँ अपना वापस बैन खड़ा है। रोलर कोस्टर, आई कैन नॉट विथ, आई वेट टू राइड, वो राइड नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं अपने यहाँ इससे इसको राइड करते हैं। वैसे रोलर कोस्टर मुझे तो बहुत पसंद है, एक बार बैठा था मैं। अमीर लोग बैठते भाई, हम तो गरीब हैं, इतना भी गरीब नहीं हूँ। सब्सक्राइब करोगे तो अमीर हो जाऊँगा, पहले थे मेरे 1700, अब हो गए 33। तो आपके सपोर्ट से अपने वापस 1K हो सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन पर दबा दो न्यू अपडेट के लिए। अभी मैं वैसे कोशिश करूँगा डेली वीडियो लाने का, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है ना, ये पहले रिकॉर्ड करो, वॉइस ओवर करो, एडिट करो, कितना काम होता है, बाद में अपलोड होने में भी आधा घंटा ही लग जाता है। और ये रोलर कोस्टर अपना गया नीचे, और यहाँ कहाँ घुस रहे हम लोग, चलो रुक गया,
अभी अपने बाहर निकलते, थोड़ा कैरेक्टर पे जूम करेंगे। चलो, और यहाँ पे आगे अपना बैन खड़ा हुआ है। आगे करना क्या है? इधर एक बोट खड़ी, शायद उससे हमको आगे जाना है। हाँ, इससे ही आगे जाना है, देखो सिर्फ बैठना है। ये शायद चल अपने आप ही चलेगी। चलो, अपना कैरेक्टर बैठ गया, अपने आप चल रही है। ऐसे अगर अपने आप नहीं चलेगी तो हम कहीं भी चले जाएंगे, इसलिए अपने आप ही चलती है। चलो, तो आगे चलते हैं। ये अपना लास्ट चेक पॉइंट, और अपने वेल डन, यू आर सर्वाइव टू द स्कैरी थीम पार्क। ठीक है भाई, हम सर्वाइव कर चुके हैं। और अगला गेम प्ले कौन सा बनाना है कमेंट करके बताओ। और ये